ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने 22 अगस्त को जोहान्सबर्ग रवाना होंगे पीएम मोदी। ब्रिक्स सम्मेलन में संगठन में विस्तार और सदस्य देशों के साथ रुपए में व्यापार सहमति बनाने पर रहेगा जोर। राज्यसभा के 9 नवनिर्वाचित सदस्यों को आज दिलाई जाएगी शपथ। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। शपथ लेने वालों में 5 सांसद टीएमसी के भी होंगे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की आज दूसरी पुण्यतिथि। कल्याण की पुण्यतिथि को बीजेपी हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाएगी। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में कार्यक्रम। गृहमंत्री अमित शाह और सीएम योगी भी करेंगे शिरकत। राजस्थान की वनस्थली यूनिवर्सिटी को मिला राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण सामाजिक सद्भावना के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए विश्वविद्यालय को मिला पुरस्कार। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर बरसी सोनिया गांधी। कहा, नफरत कट्टरता और पक्षपात करने वालों को आज सत्ता का समर्थन। राजीव गांधी के योगदान को कभी मिटाया नहीं जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राजीव के योगदान और विचार को बीजेपी नकारने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि राजीव गांधी ने हमेशा सांप्रदायिकता का पुरजोर विरोध किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि केस में आज राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की पेशी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की दायर याचिका पर सुनवाई। दिल्ली सरकार ने यमुना कायाकल्प समिति के अध्यक्ष पद पर एलजी की नियुक्ति को दी है चुनौती। एनजीटी ने गठित की है समिति। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जाति जनगणना पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर आज फिर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निजी डेटा सार्वजनिक होने के खतरे को निजता का हनन बताया था। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर अहम सुनवाई। राज्य में ओबीसी आरक्षण कोटा 14% से 27% करने संबंधी अध्यादेश पर हाईकोर्ट की लगाई रोक को चुनौती दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में प्लास्टिक बैग पर आज से सख्ती। 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक बैग पाए जाने पर बीएमसी मौके पर ही लगाएगी 5,000 का जुर्माना। बीएमसी की टीम आज से शुरू करेगी एक्शन। एशिया कप 2023 के लिए आज टीम इंडिया का चयन। दिल्ली में टीम सिलेक्शन को लेकर होने वाली बोर्ड की मीटिंग में शामिल होंगे कप्तान रोहित शर्मा। दोपहर 1:30 बजे 17 सदस्य टीम का ऐलान संभव। आज नागपंचमी है। आज के दिन नागों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उज्जैन में रात 12 बजे खुला नागचंद्रेश्वर मंदिर का पट। साल में एक दिन के लिए नागपंचमी पर खुलता है मंदिर। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लिस्ट जारी। सीडब्ल्यूसी में खड़गे सोनिया गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी सहित 39 के नाम। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट थरूर दिग्विजय जयराम रमेश और G23 गुट में शामिल आनंद शर्मा को भी जगह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में दी फ्री बिजली की गारंटी। सतना में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज पर साधा निशाना। कहा, मामा नहीं चाचा पर करो भरोसा। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया बीजेपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा, 20 साल में बीमारू राज्य से बनाया बेमिसाल राज्य। शरद पवार ने अजीत पवार गुट के विधायकों पर किया बड़ा हमला। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान पवार ने कहा, ईडी के डर से इन लोगों ने बदला पाना। केंद्र सरकार की कथित मनमानी पर हमला करते हुए शरद पवार ने कहा, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया को बड़ी ताकत बनाना चाहिए। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एलजेपी आर के अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा हमला। चिराग ने कहा, सीएम नीतीश कुमार आंकड़ों की बात कर बेलगाम हो चुके, अपराध की सच्चाई छिपाना चाहते। यूपी के मझौले और सूक्ष्म उद्यमियों व्यापारियों को सीएम योगी देंगे सौगात। आज मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का करेंगे शुभारंभ, जिसके तहत दी जाएगी 5 लाख तक की आर्थिक मदद। मदुरै में AIADMK की 50वीं स्वर्ण जयंती पर पलानी स्वामी ने फहराया झंडा। भारी संख्या में राज्य भर से जुटे कार्यकर्ता झंडा फहराए जाने के दौरान हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प वर्षा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पहली वंदे भारत ट्रेन की यात्रा की। कन्नूर से एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में सीएम ने की यात्रा। जर्मनी के डिजिटल और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वोल्कर विसिंग ने यूपीआई के जरिए सब्जी खरीदी।
जर्मन मिनिस्टर की खरीदारी का वीडियो जर्मन दूतावास ने ट्विटर पर शेयर किया। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव ने रविवार को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। एल्विश के सम्मान में गुरुग्राम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। पूर्व पीएम राजीव गांधी की 79वीं जयंती। राहुल गांधी ने पेंगोंग के झील के किनारे पिता को दी श्रद्धांजलि। राहुल ने कहा, लोगों ने मुझे बताया कि चीन की सेना भारतीय सीमा में घुसी है। सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा एक इंच जमीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। लद्दाख के लोगों की बात करते हुए राहुल ने कहा, यहाँ के लोगों को सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं। लद्दाख के लोगों को जो दर्जा दिया गया है वो उससे नाखुश हैं। लद्दाख में तो काफ़ी कंप्लेंट है, जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल के बयान पर किया पलटवार। कहा, लद्दाख में हो रहा विकास कांग्रेस नेता को पच नहीं रहा। आरएनयू जब चीन से लोहा ले रही थी तो राहुल चीनी अधिकारियों से कर रहे थे सीक्रेट मीटिंग। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए दिग्विजय सिंह का बड़ा दावा। कहा, दंगा कराने की योजना बना रही है बीजेपी। नूह जैसा दंगा मध्य प्रदेश में करा सकती है भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, अल्पसंख्यक समाज पर जिस तरीके से अन्याय अत्याचार सरकार ने किया है वैसा उन्होंने अपने अब तक के जीवन में कभी नहीं देखा। दिग्विजय सिंह ने वकीलों से मांगा समर्थन का। 2018 में कांग्रेस के समर्थन में हजारों वकील खड़े किए, तब हमने सरकार बनाई थी, इस बार भी हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का समय बदला। विक्रम लैंडर अब शाम 6:04 पर लैंड करेगा, पहले समय 5:45 था। रविवार देर रात 1:50 पर चंद्रयान 3 की डी बूस्टिंग रही सफल। चांद के बेहद करीब पहुंचा चंद्रयान। चंद्रयान 3 के लिए खुशखबरी, दूसरे और अंतिम डी बूस्टिंग ऑपरेशन में विक्रम लैंडर सफल रहा। अब मॉड्यूल को आंतरिक जांच से गुजरना होगा। चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर चक्कर लगा रहा है। लैंडिंग के लिए तलाश रहा है जगह। लैंडिंग स्थल पर अब सूर्योदय का इंतजार करना। चंद्रयान की कामयाबी के लिए देश में पूजा पाठ शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय हिंदू दल द्वारा चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर हवन पूजन किया गया। वाराणसी के महामृत्युंजय मंदिर में चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग और इसरो के वैज्ञानिकों की सफलता के लिए यज्ञ किया गया। चंद्रयान 3 की तस्वीरें और तिरंगा लेकर यज्ञ हवन किया गया। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने रविवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। रजनी ने कहा, 9 साल पहले मुंबई में अखिलेश से मिला था, तब से हम दोस्त हैं। रजनीकांत से मुलाकात को अखिलेश ने ट्विटर पर शेयर किया है। कहा, जब दिल मिलते हैं तो लोग गले मिलते हैं। इंजीनियरिंग के दौरान पर्दे पर उन्हें देखने की खुशी आज भी है। रविवार को रजनीकांत ने अयोध्या में बन रहे राम जन्मभूमि मंदिर के भी दर्शन किए। साउथ सुपरस्टार ने अपनी पत्नी के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शनिवार को रजनीकांत ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। साथ ही साथ डिप्टी सीएम केपी मौर्य के साथ जेलर फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखी थी। पंजाब के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के भतीजे संदीप जाखड़ को कांग्रेस ने पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। कांग्रेस ने उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया। संदीप जाखड़ अबोहर से कांग्रेस के विधायक हैं। बताया जा रहा है कि संदीप जाखड़ और पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वर्डिंग के बीच पिछले करीब 1 साल से जुबानी जंग जारी थी। केंद्र सरकार आज से सस्ते दरों पर प्याज मुहैया कराएगी। लोगों को 25 रुपए किलो की दर से प्याज बेचा जाएगा।
एनसीसीएफ सस्ते दरों पर प्याज बेचेगी। सरकार ने प्याज का बफर स्टॉक भी 3 लाख मीट्रिक टन से 5 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया। 40% बढ़ाया गया है एक्सपोर्ट ड्यूटी। प्याज के निर्यात पर बढ़ी ड्यूटी का नासिक के किसान कर रहे विरोध। 15 बाजार समितियों ने फैसले के खिलाफ अनिश्चितकालीन बंद का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में 1 से 2 आतंकी छिपे होने की खबर मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई शुरू की। इलाके में पुलिस और सुरक्षा बल मौजूद। मंडी में एनटीपीसी के कोल बांध में 10 लोग फंस गए। इनमें 5 वन विभाग के कर्मचारी और 5 स्थानीय लोग हैं। प्रशासन तुरंत एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया। एनडीआरएफ ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया जा रहा है कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ मोटर बोट पर सतलज नदी में बहकर आई लकड़ी का जायजा लेने गए थे। वापसी पर मोटर बोट के नीचे अचानक लकड़ी फंस गई, जिससे मोटर बोट डैम के बीच में आ गई। गंगोत्री उत्तरकाशी की ओर आ रही एक यात्री बस गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में 35 लोग सवार थे। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। एनडीआरएफ एसडीआरएफ पुलिस दमकल की टीम ने 27 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को भेजा गया अस्पताल। राजस्थान के बाड़मेर में हुआ सड़क हादसा। बस पलटने से उसमें सवार 40 यात्रियों में से करीब 20 लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने घायलों को बाड़मेर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि अचानक बस का एक टायर फट गया, जिससे स्पीड में चल रही बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर ने बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बस पलट गई। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले से दर्दनाक घटना सामने आई है। बस के 100 फीट गहरी घाटी में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक शख्स ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद शख्स ने खुद आत्महत्या कर ली। एक मामूली से विवाद में शख्स ने पूरे परिवार की हत्या की। प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस में जीआरपीएफ और ट्रेन टीटी के बीच लड़ाई का वीडियो आया सामने। ट्रेन में पुलिसकर्मी से टिकट मांगने के बाद टीटी के साथ जमकर मारपीट हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली में पार्किंग को लेकर विवाद में सुरक्षा बलों से मारपीट का मामला सामने आया है। इस घटना में सुरक्षाकर्मी की बाईं आंख में चोट लगी है। द्वारका सेक्टर 6 के मांगलिक अपार्टमेंट का है पूरा मामला। पुलिस ने आरोपी साहिब के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। फिल्म गदर 2 के हीरो और लोकसभा सांसद सनी देओल का जुहू के सनी विला को बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया अटैच। बैंक के मुताबिक सनी ने 56 करोड़ रुपए का लिया था लोन। लोन नहीं चुका पाने की स्थिति में 25 सितंबर को बंगले की होगी नीलामी। सूरत के छपुर गांव में स्थानीय लोगों ने पुलिस कांस्टेबल को थोड़ा थोड़ा कर पीटा। दरअसल सड़क हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए थे। हादसे का आरोपी पुलिस कांस्टेबल का भाई निकला। लोगों का आरोप है कि पुलिस कांस्टेबल ने लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश की, जिसके बाद मौके पर मौजूद महिलाओं ने पुलिस कांस्टेबल को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। यूपी के कानपुर से युवक के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया। आरोपी नितिन बाटला ने जूते चप्पल से युवक की जमकर पिटाई की है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में रामगंगा नदी में 3 बच्चे डूब गए। ये बच्चे अपने रिश्तेदार के रामगंगा नदी के किनारे बाग में आए थे और इसी दौरान ये बच्चे नदी में नहाने के लिए चले गए, जिसके बाद दुखद हादसा हुआ। गुजरात 8 गांव के समुद्री तट पर सागर नाम की एक बोट डूब गई, जबकि बोट में मौजूद सभी 7 लोगों को बचा लिया गया। समुद्री तट से फिशिंग के लिए गई थी ये बोट। मुंबई के वसई इलाके में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पटना के मरीन ड्राइव का एक और वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें बाइक सवार एक लड़की दोनों हाथों से पिस्टल लहरा रही है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी। बिहार के बगहा में एसएसबी जवान से लूटपाट की घटना आई सामने। कैंची से हमला कर बाइक मोबाइल और कैश लेकर बदमाश हुए फरार। बदमाश ने लिफ्ट लेने के बहाने इस घटना को दिया अंजाम। हापुड़ के थाना गढ़ मुक्तेश्वर एक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या कर दी। मामले में विवाद में युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया।
यूपी के मथुरा में साधु के वेशधारी का सड़क पर बच्चे का मारने का वीडियो आया सामने। बच्चे को मारता देख स्थानीय लोगों ने की है साधु वेशधारी व्यक्ति की लाठी डंडों से पिटाई। बिहार की बेगूसराय में गुस्साए लोगों ने हत्या के आरोपी के घर पर किया हमला। हत्या से गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। बिहार में अपराधी हुए बेलगाम। बेगूसराय में दबंगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, तीन लोगों को लगी गोली, एक की मौत, दो की हालत नाजुक। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के दौरान दर्दनाक हादसा। नेशनल हाईवे 144 पर दो बसों के बीच टक्कर हुई, 10 लोग जख्मी, घायलों को फौरन अस्पताल में कराया गया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा 23 अगस्त से रहेगी अस्थायी तौर पर निलंबित। ट्रैक की मरम्मत और यात्रियों की तादाद की कमी की वजह से लिया गया फैसला। 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा 31 अगस्त को लिदर नदी में विसर्जन के साथ ही छड़ी मुबारक कार्यक्रम का यात्रा का समापन हो जाएगा। देर रात गोलियों की तड़ाहट से थर्राया मुजफ्फरपुर, रेस्टोरेंट को निशाना बनाकर चली 1.5 दर्जन से ज्यादा गोलियां। देर रात बाइक सवार आधा दर्जन बदमाश रेस्टोरेंट में पहुंचे थे और अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी, फिर हथियार लहराते हुए फरार। गनीमत इस बात की रही कि उस वक्त रेस्टोरेंट में कोई ग्राहक नहीं था, नहीं तो उसकी जान जा सकती थी और ग्राहकों ने टेबल के नीचे छुपकर किसी तरह से अपनी जान बचाई है। पुलिस जांच में जुटी है। रेस्टोरेंट के मालिक ने अपनी जान को खतरा बताया। बिहार के जहानाबाद में खुलेआम गुंडागर्दी, सरकारी दफ्तर में घुसकर कर्मचारी पर तानी पिस्टल, कर्मचारी को जान से मारने की दी गई धमकी। सरकारी दफ्तर में घुसकर रंगदारी मांगी गई, पंचायत भवन में हड़कंप मचा, किसी ने वीडियो बनाया और अब वीडियो वायरल है। मुंबई कस्टम ने मुंबई एयरपोर्ट पर 5 यात्रियों को 6 किलो सोना के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए सोने की कीमत 3,20,00,000 आंकी जा रही है। कस्टम की टीम ने 5 यात्रियों को पकड़ा। सभी यात्रियों ने जूते, पैंट और अंडरगारमेंट्स में गोल्ड को छिपाया था। गोल्ड को पोस्ट की तरह मुंबई लाया गया था।